नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में आईपीएल का मैच खेला जाएगा, इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। देखो, वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते तो आप खुद की टीम तो क्रिएट कर ही पाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा डीप डाइव कर पाएंगे चीज़ों को समझने में। हम यहाँ पर भिनवेंट पिच रिपोर्ट देखेंगे, उसके साथ साथ दोनों टीम्स का प्रोबेबल प्लेइंग एलेवन क्या होगा, उसके आगे हम हर एक प्लेयर का जो डेटा होता है उसमें बहुत ही गहरा उतरने वाले हैं, ताकि आप स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग की जो टीम से आसानी से बना पाओ। आगे हम कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी किसी दिन है ये भी देखेंगे, ठीक है? तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने वाला है, और आपको इसे लाइक करके स्टार्ट करना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आपको ऐसे ही व्यूज़ आगे मिल सके। देखो, ये जो मैच है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में, इसकी जो फाइनल टीम है ये आपको मिलेगी परफेक्ट लाइनअप एप्लीकेशन पे, और इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे दे रखा है। इसे अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इसे इंस्टॉल कर लीजिए। एज अ फैंटेसी यूज़र आपके मोबाइल में एप्लीकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ते। देखो, पहले तो हम देखते वेन्यू पिच रिपोर्ट, ये मैच होगा कहाँ पे। देखो, मैच होगा सवाई मानसिंह स्टेडियम पे। वैसे हम अगर कंपेयर करें बैटिंग बॉलिंग का रेशियो सवाई मानसिंह स्टेडियम पे कौन से यहाँ पर फॉर्मेट इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको बैट्समैन यहाँ पर स्लाइटली इंपॉर्टेंट दिखाई देंगे, यानी बैट्समैन को यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट दिखाई देता है। फर्स्ट इनिंग में अगर आप कंपेयर करोगे रेशियो तो बॉलर्स थोड़े से इंपॉर्टेंट दिखाई देंगे, लेकिन चेजिंग में यहाँ पर फिर से बैट्समैन का पलड़ा भारी हो जाता है, ठीक है? बाकी फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर आपको 136 का दिखाई देगा, हर इनिंग में लगभग 5 विकेट के आसपास यहाँ पर गिर जाती है, तो स्कोर एवरेज सा बनता है, लेकिन फिर भी बैट्समैन आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। पेसर स्पिनर्स का रेशियो लगभग इक्वली है, और बैटिंग फर्स्ट और चेजिंग का रेशियो देखोगे तो जो चेजिंग टीम है वो यहाँ पर 62% मैचेस जीती हुई है, तो आपको फोकस करना है चेजिंग टीम के ऊपर, और वो थोड़ी सी फेवरेट रहने की चांसेस यहाँ पर रहेंगे। वैसे देखो, गुजरात की टीम जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी आपको स्ट्रांग दिखाई देगी राजस्थान के मुकाबले, लेकिन दोनों की दोनों जो टीमें अभी जो पॉइंट्स टेबल है उसमें टॉप पे चल रही है, तो आपको यहाँ पर जो चेजिंग टीम है फिर आप डिफ्रेंशिएट ऐसे कर सकते हो, ठीक है? चेजिंग टीम को प्रेफर करके फ्रिक्वेंट कैप्टन वाइस कैप्टन अपीयरेंसेस ऑन दिस वेन्यू, तो आपको यशस्वी जायसवाल का नाम दिखाई देगा। ये पहले भी इस वेन्यू पे कैप्टन वाइस कैप्टन रह चुके हैं। टॉप प्लेस ऑन दिस वेन्यू, तो इसमें यशस्वी जायसवाल का नाम को दिखाई दे रहा है। बैटिंग पॉइंट्स से जब भी यशस्वी जायसवाल इस वेन्यू पे खेलते तो इनका यहाँ पर 81 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज होता है, जो कि काफ़ी बड़ा है, तो आपके लिए यशस्वी जायसवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम इन्हें यहाँ पर उन्हें सिलेक्ट कर लेते। जॉस बटलर का इस वेन्यू पे खेलते हुए 40 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज आपको दिखाई देगा, इन्हें भी हमने सिलेक्ट कर लिया है। बॉलिंग पॉइंट से इम्पोर्टेंट प्लेयर्स कौन से हैं? देखो, इसमें आपको रविचंद्रन अश्विन का नाम दिखाई दे रहा है। जब भी रविचंद्रन अश्विन इस वेन्यू पे खेलते हैं सवाई मानसिंह स्टेडियम पे, इनका 56 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज होता है, यानी लगभग ये हर एक मैच में आपको इस वेन्यू पे 56 फैंटेसी पॉइंट्स देके ही जाते हैं, तो हम इन्हें भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एडम हेम्पा का नाम आता है, ये 39 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज यहाँ पर कैरी करते हैं। टोटल पॉइंट्स के बेसिस पे टॉप प्लेयर्स इसमें यशस्वी जायसवाल, रविचंद्रन अश्विन, जॉस बटलर, देवदत्त पडिक्कल का नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें भी यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ 2 मैचेस यहाँ पर खेले जिसमें 171 फैंटेसी पॉइंट्स दे चुके। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर लास्ट कुछ मैचेस देख लेते जो इस वेन्यू पे खेली गई है। इससे सीधा सीधा आपको एक जो अंदाज़ा होता है वो लग जाता है कि ये वेन्यू किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से ये जो हमारा मैच है रन कर सकता है। तो देखो, जो पिछला मैच हुआ था हाई स्कोरिंग था, यहाँ पर राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए 202 रन बना दिए थे 5 विकेट के नुकसान पे। फिर जो चेन्नई की टीम थी वो उसे चेज डाउन नहीं कर पाई थी। ऑब्वियस है यार, अगर कोई टीम यहाँ पर 200 क्रॉस कर रही तो चेजिंग तो मुश्किल होगा ही, लेकिन फिर भी 200 प्लस स्कोर बन रहा है, ये यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, और चेन्नई के सामने बनाया था पहली बात। वैसे अगर आप रेशो कंपेयर करोगे बैटिंग बॉलिंग का, तो आपको यहाँ पर बैट्समैन ही इंपॉर्टेंट दिखाई देंगे, खास करके बैटिंग फर्स्ट में बैट्समैन ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया था, और चेजिंग टीम में भी यहाँ पर बैट्समैन आपको इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले राजस्थान से लखनऊ के बीच में मैच हुआ था, देखो ये जो मैच था ना ये आपको मीडियम स्कोर दिखाई देगा। लखनऊ की जो टीम थी उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 154 रन बना दिए थे, फिर
फिर जो राजस्थान की टीम थी वो उसे चेज डाउन नहीं कर पाई थी, मतलब पास तो पहुंच गई थी लेकिन चेज डाउन नहीं हो पाया था। इससे अगर आप रेशो कंपेयर करोगे बैटिंग बॉलिंग का तो आपको लगभग इक्वल ही दिखाई देगा। और फर्स्ट इनिंग यहाँ पर बैट्समैन इंपॉर्टेंट, चेजिंग में भी आपको बैट्समैन ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिखाई देंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की कुछ मैचेज है आपके सामने, मिडिल स्कोरिंग मैचेज है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई देगा इसमें। तो देखो अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो आपको एक न्यूट्रल सा पिच मानना है, इसमें पेसर स्पिनर्स को इक्वल सपोर्ट होता है, थोड़ा चेजिंग टीम को आप प्रीफर कर सकते हो, बाकी बैट्समैन को थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट आपको दिखाई देगा बॉलर्स के कंपेयर में। ठीक है, ये हमने यहाँ पर वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट देख लिया है। अब हम चलते हैं दोनों टीम्स का जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है इसकी तरफ। इसके लिए आपको आना है यहाँ पर टीम हेड टू हेड फीचर के ऊपर। देखो हम यहाँ पर लास्ट 5 T20 मैचेस में चल रहे थे, पहले तो गुजरात टाइटंस की जो टीम है उनकी तरफ हम देखेंगे। देखो गुजरात की जो टीम है हमारी उनकी तरफ से जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है इसमें रिद्धिमान साहा ओपन करेंगे शुभमन गिल के साथ, वन डाउन आएंगे हार्दिक पांड्या। अगर आप मिडल ऑर्डर देखोगे इनकी तरफ से तो इसमें विजय शंकर, डेविड मिलर, अभिनव मनोहर, राहुल तेवतिया और राशिद खान इनकी तरफ से मिडल ऑर्डर होगा। पिछले मैच में परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखोगे ना तो हार्दिक पांड्या ने रन बॉल 59 रन बनाए थे। ठीक है, और जो राहुल तेवतिया था तेवतिया का देखोगे आप तो इन्होंने 7 गेंदों में 20 रन बनाए, काफ़ी अटैकिंग पारी थी, इसमें 3 छक्के शामिल थे। अभिनव मनोहर 33 बॉल्स में इन्होंने भी 26 रन बनाए, रन बॉल से भी कम का इनका यहाँ पर स्ट्राइक रेट था। तो ये कुछ बैटिंग से परफॉर्मर्स थे जिसके बदौलत गुजरात की टीम यहाँ पर 125 रन तक पहुँच पाई थी। और अगर आप यहाँ पर बॉलिंग ऑप्शन देखोगे गुजरात की तरफ से, देखो मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या, जोशुआ लिटल, राशिद खान, नूर अहमद और मोहित शर्मा इनकी तरफ से बॉलिंग ऑप्शन होंगे। इसमें भी मोहम्मद शमी ने पिछले मैच में 4 विकेट्स निकाली है, उसके बाद मोहित शर्मा ने 2 विकेट्स निकाली। इकोनॉमी बहुत अच्छी थी मोहम्मद शमी की, उसके अलावा नूर अहमद ने भी अच्छी इकोनॉमी के साथ बॉलिंग करी थी। तो ये कुछ यहाँ पर हमने देखा गुजरात टाइटंस का, लेकिन दिल्ली पिछला मैच जीत के आ रही है गुजरात के खिलाफ, ध्यान में रखना। और अभी हम जो हमारी सेकंड टीम इनका भी प्रोबेबल प्लेइंग 11 देख लेते, राजस्थान रॉयल्स। देखो इनकी तरफ से यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे जॉस बटलर के साथ, वन डाउन आएंगे यहाँ पर संजू सैमसन। मिडल ऑर्डर देखोगे तो इसमें देवदत्त पडिक्कल, जेसन होल्डर, शिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन इनकी तरफ से क्या होगा मिडल ऑर्डर। अब देखो परफॉर्मेंस किस किस ने किया है, सिर्फ एक प्लेयर खड़ा रह गया था, उसने 124 रन बना दिए थे। और स्ट्राइक रेट देखना आप यशस्वी जायसवाल का, 62 बॉल्स में इन्होंने बनाए थे, 200 का स्ट्राइक रेट था। तो एक तरीके से एक ही प्लेयर था जिसने पूरा मैच यहाँ पर संभाल लिया। तो बाकी देखो जॉर्ज बटलर ने 18 रन बनाए, उसके अलावा कोई भी प्लेयर यहाँ पर चला नहीं, लेकिन फिर भी राजस्थान 212 तक पहुँच गई एक प्लेयर की पारी के बदौलत। ठीक है, तो देखो ये बॉलिंग भी देख लेते हैं हम राजस्थान की तरफ से, तो ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, यजुर्वेंद्र चहल, जेसन होल्डर और कुलदीप सेन इनकी तरफ से बॉलिंग ऑप्शंस रहेंगे। पिछले मैच में रविचंद्रन अश्विन ने 2 विकेट्स निकाली थी, 7 की इकोनॉमी थी इनकी, और 2 विकेट्स यहाँ पर संदीप शर्मा ने एक निकाला और ट्रेंट बोल्ट ने 1 विकेट निकाला है। तो कुछ यहाँ पर इनका बॉलिंग परफॉर्मेंस खास रहा नहीं है अगर आप यहाँ पर सिर्फ अश्विन का छोड़ दो तो। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर राजस्थान की जो टीम थी फिर भी मैच को हार गई थी 212 का स्कोर बनाने के बावजूद भी। ठीक है, अब हम यहाँ पर सीधे सीधे चिटशीट के ऊपर चल रहे थे। देखो अलग अलग बेसिस पर टॉप 5 प्लेयर्स हम यहाँ पर देखेंगे इस मैच में आपके लिए कौन से होंगे। तो चलो यहाँ पर चीट शीट के ऊपर हम चल रहे थे। देखो टोटल फैंटेसी पॉइंट्स के बेसिस पे टॉप 5 प्लेयर्स आपके लिए कौन से होंगे इस मैच में। इसमें पहला नाम आपको दिखाई दे रहा है यशस्वी जायसवाल का। अब देखो लास्ट 5 मैचेस खेले यशस्वी जायसवाल ने, उसमें इन्होंने दिए है 456 फैंटेसी पॉइंट्स। ठीक है, तो इसलिए आपको एक नंबर पे दिखाई दे रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। उसके नीचे नाम आता है मोहम्मद शमी का, लास्ट 5 मैचेस में इन्होंने 350 फैंटेसी पॉइंट्स दे रखे हैं। हार्दिक पांड्या यहाँ पर 5 मैचेस 337 फैंटेसी पॉइंट्स, रविचंद्रन अश्विन इन्होंने 5 मैचेस में 249 फैंटेसी पॉइंट्स दे रखे हैं, नूर अहमद 5 मैचेस 248। ठीक है, इनका यहाँ पर टोटल फैंटेसी पॉइंट्स के बेसिस पे हमने टॉप 5 प्लेयर्स देखे। कुछ प्लेयर्स को हम यहाँ पर सिलेक्ट भी कर लेते, नूर अहमद को भी सिलेक्ट कर लिया हमने। अब एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स के बेसिस पे टॉप 5 प्लेयर्स कौन कौन से है, फिर से यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या,
इनका नाम आपको रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। दो नए प्लेयर्स ऐड हुए हैं, कौन है? एडम लैम्पा और रविचंद्रन अश्विन, ठीक है। तो देखो ये वो प्लेयर्स है जो अच्छा फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज कैरी करते हैं, यानी हर एक मैच में आपको इतना फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज ही देखे जाते हैं। तो यशस्वी जायसवाल का कितने का है? 91 का, ठीक है। 91 फैंटेसी पॉइंट्स से आपको एवरेज देखे जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मोहम्मद शमी 70 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज कैरी कर रहे हैं। उसके नीचे आते हैं हार्दिक पांड्या 67, एडम झाम्पा 56 और रविचंद्रन अश्विन का 49 है, ठीक है। अब पार्ट ऑफ परफेक्ट लाइनअप। अब ये वो प्लेयर है जो कंसिस्टेंटली ड्रीम टीम में अपनी जगह बनाते हैं, तो इसमें हार्दिक पांड्या, यशस्वी जायसवाल, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट और राशिद खान का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। हार्दिक पांड्या तो लास्ट 5 में से 5 मैचेस में ड्रीम टीम में रह चुके हैं, कैप्टनसी भी आप इन्हें दे सकते हो, उस टाइप ऑप्शन होंगे। राजस्थान की तरफ से टॉप 5 प्लेयर्स कौन से हैं? यशस्वी जायसवाल, एडम झाम्पा, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट और संजू सैमसन, ये राजस्थान की तरफ से टॉप 5 प्लेयर्स है। और जो गुजरात टाइटंस की टीम है, इनकी तरफ से टॉप 5 प्लेयर्स में मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या, नूर अहमद, शुभमन गिल और डेविड मिलर का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सीधे सीधे चल लेते प्लेयर्स विद एक्सपेक्टर, यानी कौन से वो प्लेयर है जो अपने दम पे पूरा मैच पलटने का मादा रखते। देखो उसमें संजू सैमसन का नाम आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है, और एक ऐसा प्लेयर है जिस मैच में चलेगा उस मैच में पूरा ये यहाँ पर परफॉर्मेंस अपना देखे जाता है। सिर्फ ड्रीम टीम में आप उन्हें ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन रख लेना किसी एक टीम में, ठीक है। अब हम यहाँ पर पावर रैंकिंग फीचर के ऊपर चलते हैं। देखो जो स्मॉल लीग की टीम्स आप क्रिएट करते हो तो उसमें आपको ये फीचर काफ़ी मदद करता है। प्लेयर्स को रैंक किया जाता है यहाँ पर, जितना प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है उसे उतनी अच्छी रैंक दी जाती है। इस मैच में आपके लिए रैंक वाइज टॉप 11 प्लेयर्स, उसमें पहला नाम आपको दिखाई दे रहा है यशस्वी जायसवाल का, ये सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। उसके नीचे नीचे नाम आता है जॉस बटलर, और उसके बाद मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या, राशिद खान, शुभमन गिल, ट्रेंट बोल्ट, नूर अहमद, ओडियन स्मिथ, अलज़ारी जोसेफ और मोहित शर्मा, इनकी तरफ से टॉप 11 प्लेयर्स से। देखो हम ऊपर ऊपर तो डेटा नहीं देख सकते प्लेयर का, हमें डिटेल में भी जाना है, तो आपको करना क्या है? देखो हम यहाँ पर जो बार ग्राफ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, आपके सामने कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस आ जाता है। हम यहाँ पर यशस्वी जायसवाल का पूरा रिकॉर्ड देखेंगे। यशस्वी जायसवाल लास्ट 10 मैचेस में से 7 बार ड्रीम टीम में रह चुके। बैटिंग फर्स्ट में इनका 108 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज आपको दिखाई देगा, और चेजिंग में 45 का होता है। तो बैटिंग फर्स्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यशस्वी जायसवाल। रिसेंट फॉर्म देखोगे आप तो 182, 111, 19 और 69 के 4 मैचेस है, चारों मैचेस में चले हैं। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी आप इन्हें देख सकते हो रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। गुजरात के खिलाफ जब भी खेले हैं तब तब इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, हेड टू रिकॉर्ड कुछ खास नहीं दिखाई देगा आपको। और ऑन दिस वेन्यू देखो, वेन्यू रिकॉर्ड तो लाजवाब है इनका, एक मैच में 111 फैंटेसी पॉइंट दिए थे और एक मैच में इन्होंने 60 फैंटेसी पॉइंट दिए थे। तो ये है यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड। बाय फॉर्मेट में चल लेते, इनके पूरे करियर स्टैट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आके। 2023 में इन्होंने 10 मैचेस खेली है, 51 का एवरेज है 2023 में, और 160 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि इनका कद कितना बढ़ चुका है, आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में इन्होंने इस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है अपना। और बाकी देखो हमारी टीम में तो ये सीधा सीधा लॉक रहेंगे, हम इन्हें प्रेफरेंस में नहीं रखेंगे। जो प्लेयर मस्ट हैव कैटेगरी के होते हैं उन्हें ही आपको लॉक करना होता है। तो चलिए देखो आपको बाकी जो प्लेयर्स है, जॉस बटलर से लेकर मोहम्मद शमी का रिकॉर्ड, पूरा स्क्वाड का स्क्वाड आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हो जैसे हमने यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड देखा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है? देखो मैंने लिंक दे रखा है आपको परफेक्ट लाइनअप का, आप आ जाइए पावर रैंकिंग पे, पूरे प्लेयर्स का डेटा आप यहाँ पर आके देखिए। और देखो हम हर एक प्लेयर का डेटा इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। आप देख सकते हो स्क्वाड में 50 प्लेयर्स है, 50 प्लेयर का डेटा यहाँ पर काफ़ी टाइम कंज्यूम कर लेता है। तो इससे यहाँ पर अच्छा है हम यहाँ पर सीधे सीधे जो ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन है उनकी तरफ चल लेते। और हमने टॉप प्लेयर्स भी देख लिए अलग अलग बेसिस पे, तो हमारा काम यहाँ पर आसान हो चुका है। चलते एडवांस फीचर में। देखो आप यहाँ पर लॉजिकल वे में अपनी ग्रैंड लीग की टीम्स क्रिएट कर सकते हो। अब करना कैसे, यूज़ कैसे करना है इसका, तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक होता है परफेक्ट लाइनअप प्रेडिक्शन का, यहाँ पर आप वेरियस फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी टीम क्रिएट कर सकते हो। दूसरा है रिसेंट परफॉर्मेंसेस का, अगर आप रिसेंट परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर टीम क्रिएट करना चाहते हो तो इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और ड्रीम टीम अपीयरेंसेस, यानी जो प्लेयर कंसिस्टेंटली ड्रीम टीम में अपनी जगह बनाते उनको ध्यान में रखते हुए आप अपनी ये जो टीम है अपनी कस्टम टीम बिल्डर से बना सकते हो। टीम सिलेक्शन प्रेफरेंसेस, दोनों की दोनों टीमें स्ट्रांग है, हम किसी एक टीम के स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लेयर्स अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो, मान लो मुझे लग रहा है
ये जो मैच है गुजरात डोमिनेट कर सकती है, आप उनके छह प्लेयर्स अगर लेते हो तो कस्टम टीम बिल्डर से आप जो भी टीम बनाओगे तो आपकी हर एक टीम में गुजरात टाइटन्स के छह प्लेयर्स आएंगे। बाकी देखो पिक टीम फॉर्मेशन का एक फीचर आपके सामने है, एक न्यूट्रल सा पिच हमने देखा था तो उसके बेसिस पे आप अपना कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हो। मान लो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बॉलर्स थोड़ा सा बैट्समैन के मुकाबले कम परफॉर्मेंस देते तो बैट्समैन हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते। चार बैट्समैन अगर सेलेक्ट कर लोगे तो आपकी हर एक टीम में चार बैट्समैन यहाँ पे आ जाएंगे। टीम वेरिएशन का एक फीचर है, डिफरेंट टीम्स के साथ जा सकते हो, नहीं तो सिमिलर टीम्स विद डिफरेंट कैप्टन वाइस कैप्टन। ये ऑप्शन आपको तब चूज़ करना है जब आपको पूरा पूरा कॉन्फिडेंस हो अपने यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी सेटिंग हम यहाँ पर जो परफेक्ट लाइनअप थे हमें कुछ कैप्टन वाइस कैप्टन सजेस्ट किए उनको लेकर चलेंगे साथ। देखो नंबर ऑफ टीम्स आपको फिर सिलेक्ट कर लेनी है, हम यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ टीम्स सिलेक्ट कर लेते, उसके बाद आपको सीधा सीधा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस आ जाएगा। जैसे हमने यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड देखा था वैसे आप हर एक प्लेयर का डेटा देख सकते हो। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को आपको प्रेफरेंस में डाल देना है। कुछ प्लेयर्स तो ऐसे होंगे जिनका डेटा जो होता है वो आपको मस्ट हैव कैटेगरी के वो प्लेयर्स आ जाते हैं, काफ़ी अच्छा उनका डेटा होता है, रिकॉर्ड होता है, उन्हें आपको लॉक कर लेना है। और कुछ प्लेयर्स ऐसे होंगे जिनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, उन्हें आप यहाँ पर ये जो क्रॉस वाला साइन है इससे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जिस तरीके से यहाँ पर डिफरेंशिएट करोगे उतनी लॉजिकल वेज में आपको टीम मिलेगी। आपको जो कम इंपॉर्टेंट प्लेयर्स या फिर जो प्लेयर्स आपको ख़राब लग रहे हैं उन्हें सीधा सीधा आप अपने टीम से हटा सकते हो। फिर आपको जनरल टीम्स के ऊपर क्लिक कर दे रहे हैं, सिर्फ आपके सामने जो टीम कॉम्बिनेशन से वो यहाँ पर बन के आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको परफेक्ट लाइनअप पर आके अपने टीम कॉम्बिनेशन कम से कम समय में लॉजिकल वे में मिल जाते। देखो ये जो टीम है ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको टॉस के बाद मिलती है, टॉस के बाद की सारी अपडेट्स और फाइनल टीम आपको परफेक्ट लाइनअप पर मिल जाएगी। तो करना है क्या है आपको, देखो जाओ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप इसे इंस्टॉल कर लो और फिर आपको यहाँ पर टॉस के बाद आ जाना है एक बार। ठीक है, और पावर रैंकिंग फीचर के बाद अगर आप मतलब टॉस के बाद आओगे ना नॉन प्लेइंग प्लेयर वहाँ से हट जाते, फिर जो 22 प्लेयर आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे मैच में वही आपको पावर रैंकिंग में दिखाई देंगे। फिर आप उनसे यहाँ पर अपनी जो टीम है और भी आसानी से क्रिएट कर सकते हो लॉजिकल वे में। और एक और फीचर आपको यहाँ पर मिल जाता है, क्या है वो फीचर, आप ये जो टीम है जो परफेक्ट लाइनअप पे बना रहे हो सीधा ड्रीम इलेवन पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो समय भी बच जाता है आपका, कम से कम समय में आप यहाँ पर ये टीम्स क्रिएट कर सकते हो। अब ये टीम्स आपके सामने है, इसमें क्या है हम देख लेते एक बार। विकेटकीपिंग सेक्शन में हमने जॉस बटलर को लिया है, बैटिंग सेक्शन में देवदत्त पड़िक्कल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और अभिनव मनोहर हमारे टीम में रहेंगे। अभिनव मनोहर की जगह पे आप किसी और प्लेयर को ले सकते हो। ठीक है, बाकी देखो जो हमारा ऑलराउंडर सेक्शन है इसमें हार्दिक पांड्या और रविचंद्रन अश्विन ये दो प्लेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। बॉलिंग में नूर अहमद, मोहम्मद शमी, राशिद खान और ट्रेंट बोल्ट हमारे टीम में रहेंगे। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ये आप अपने हिसाब से जा सकते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा जॉर्ज बटलर एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। यशस्वी जायसवाल सेफ ऑप्शन होंगे इस मैच में, काफ़ी बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। शुभमन गिल के साथ जा सकते हो और उसके बाद हार्दिक पांड्या और रविचंद्रन अश्विन ये भी दो सेफ ऑप्शन होंगे। देखो मैं आपको तीन प्लेयर सेलेक्ट करता हूँ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए, एक बटलर है, दूसरे जयसवाल और तीसरे हार्दिक पांड्या। ठीक है, इन तीनों में से आप किसी को रोटेट कर सकते हो। बाकी और कुछ टीम कॉम्बिनेशंस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और ये आपको सिर्फ डेमो देने के लिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, फाइनल टीम के लिए आपको आ जाना है परफेक्ट लाइनअप के ऊपर। अब देखो वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, थोड़ा सा भी हेल्प आपको मिली हो इसे लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि जो IPL प्रीव्यूज है आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। और जो बेल आइकॉन होता है उसे दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो देखो चलो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।